जय हिंद। नमस्कार आप सभी का फिर से आपके अपना YouTube परिवार MNC क्लासेस में स्वागत है। अभी की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिंदी पार्ट 3। ये माँ चैप्टर एक कहानी है, एक पागल लड़की की कहानी है, जिससे सुन करके आपको भी आश्चर्य होगा। पागल माँ और पागल बेटी दोनों की कहानी है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट में माँ भी पागल हो जाती है इस कहानी में, और इस कहानी में इतना इंटरेस्ट है कि अगर आप पूरी तरह से कहानी के 2-3 मिनट रह जाते हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि आप पूरा कहानी को सुनकर ही जाइएगा, वीडियो को पूरा खत्म कीजिएगा। तो ये कहानी एक पागल लड़की की है जिसका नाम है मंगू। वैसे तो ये क्लास 10th की एक चैप्टर है, वैसे आपका चैप्टर भी हो जाएगा। अगर क्लास 10th के स्टूडेंट है तो बिल्कुल रूप से ये कहानी को सुनिए, पूरी तरह सुनिए, सुनकर आपको A to Z ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब याद हो जाएगा। ये चैप्टर है जिसका नाम है माँ, और इसके माँ है, माँ के दो बेटी होती है जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है मंगू जो जन्म से पागल थी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मंगू कब से पागल थी, तो वो जन्म से ही पागल थी। मतलब जन्मजात बीमारी था इनको कि माँ के गर्भ, मतलब जब जन्म ली तभी से वो क्या थी, पागल थी। अब पागल थी तो कैसा पागल थी, एक पागल होती है साफ बेकार किसी को मारती है, फालतू घूमते फिरते रहती है, लेकिन ये है वैसा पागल नहीं थी। ये पागल थी, ये क्या करती थी, बेड पर ही क्या करते थे, टॉयलेट लेटिंग फोटिंग जो भी होता। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से है, जो खुद को सेल्फ साफ नहीं रख सकती थी, ऐसा थी उल्टी पुल्टी कुछ होकर कचरा बना कर रख देती है, ठीक है। यानी मलमूत्र का त्याग जो है ये कहीं अलग जाके नहीं करती थी, बेड पे ही कर लेती थी, ठीक है, कपड़े में ही कर लेती थी, ये चीजें हैं। ठीक, इस दुनिया से गुजर चुके, हंसने की बात नहीं है, आप लोग सब छोटे थे ना, हम लोग भी सभी लोग छोटे थे, तो ऐसा ही दुनिया देखे हैं, हंसी लग रहा है। मंगू बेचारी पागल थी, उसको समझ में आता, समझ रहा था तो थोड़ी ऐसा करती, ये चीज है। और माँ क्या है, उसको बराबर सेवा करती थी, माँ बेचारी बेटी को लगातार सेवा करती आ रही थी। देखिये माँ माँ होती है, ठीक है, माँ जो होता है, आप माँ को कितना हो कुछ करिए, डांट फटकार भी दीजिएगा ना, तो माँ के बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकते, ठीक है। माँ माँ होती है, पागल बेटी थी फिर भी उनका सारा देख रेख करती थी, कौन, माँ, साफ सुथरा खाना खिलाना पिलाना सारा चीज, दाल गूर करके खिलाती थी, दूध खिलाती थी उसको, हट्टा कट्ठा थी मंगू, एकदम देखने में सही हट्टा कट्ठा थी, मतलब की खूब ताकतवर भी थी मंगू, ठीक है। एक बार क्या हुआ, उनको कोई भी बोलते थे कि इसको हॉस्पिटल से इलाज कराई ये सही हो जाएगी, तो वो बेचारी माँ जो है हॉस्पिटल भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो बोलती थी वहां पर जो है आदमी के साथ जानवर की तरह लोग आते हैं, जानवर की तरह व्यवहार किया जाता है, पागल है, कोई इसको हमारी तरह देख रेख नहीं करेगी, अगर ये बेड पर ही ये जो भी होता है मतलब बेड पर ही कपड़ा में मतलब या तो वो टॉयलेट कर लेती है या कुछ भी कर लेती है, मलमूत्र त्याग लेती है, तो उसको कौन साफ करेगा, कोई वहाँ अपना नहीं होता, इस डर से वो सोच रही थी कि हम पागल खाना इसको यानी अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे, लेकिन सब लोग जबरदस्ती उनको बार बार बोलते थे कि नहीं इसको अस्पताल भर्ती कराइए, नहीं करा देती। इतना दिन चलता गया, कोई किसी का नहीं होता, उनकी पुतौह जो थी माँ की वो भी देख रेख नहीं करती थी। बात आगे बढ़ता गया, बेटा था बाहर में, बेटा भी उस ढंग से नहीं, बेटा भी किसका बात मानेगा, पत्नी का कि माँ का, मगम्मा में देखी थी ना, किसका बात मानी, पत्नी का, तो लोग अपने सबसे पहले किसके बात मानेंगे, हेडक्वार्टर ऊपर पत्नी की बात, तब माँ के बात, जब तक शादी नहीं हुआ है बच्चे का, लड़का का, तब तक क्या है, तब माँ का बेटा है, शादी हो गया तब सास का बेटा है, ठीक है। जब तक लड़का का शादी नहीं हुआ है तब तक किसका बेटा, बिल्कुल तब तक अपनी माँ का बेटा, जहाँ दूध पिया है, शादी हो गया तब सासू माँ का बेटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रुको जरा सबर करो, तब वो पहले पत्नी की बात मानता है, तो ऐसा ही माँ जो है माँ को उतना मानते नहीं थे वो, ठीक है, पुतौ जो है नहीं मानती थी, मंगू को देखो ना नहीं चाहती जाती थी, किसी तरह वो मर जाए, बेटा भी ये माँ है, माँ का नाम इसको नहीं दिया गया, ये भी लड़का भी इसका चाहता था किसी तरह अपना मर जाए, इसका काम तमाम कर देंगे अपना सही हो जाए, ठीक है। दिन बीतता गया, एक बार क्या हुआ, एक बगल के स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था कुसुम, लड़की का नाम था कुसुम, वैसे मंगू की और बड़ी बहन थी जिसका नाम था कम्मू, मंगू दो बहन थी, मंगू और कम्मू,
पूछता है मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था, कमू। और आस पास वहीं पास के एक स्कूल में एक लड़की पागल हो गई जिसका नाम था कुसुम। वो लड़की जन्म से पागल नहीं थी, पढ़ते पढ़ते वो पागल हो गई और मंगू की तरह उसका भी हाल हो गया था। ठीक है, बेड पर ही सारा चीज हो जाना। तो उसका इलाज अस्पताल में कराया गया तो वो ठीक हो गई। कुसुम क्या हो गई? ठीक हो गई। जब माँ को पता चला कि कुसुम लड़की को ऐसे ऐसे हो गया था, उनको भी पागल हो गई, तो वो ठीक हो गई। तो बेचारी दौड़ के गई, कुसुम से पूछी क्या हाल है दाई बेटिया, बताओ क्या क्या हॉस्पिटल में होता था आपके साथ, क्या था? बोले हॉस्पिटल में ठीक ठाक था, लोग देखता उखता नहीं था, वैसे तो हम पागल थे तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो होता था ठीक ठाक था, मजिस्ट्रेट और वहाँ का था ना, तनी मनी ठीक ठाक था। तो माँ को साहस मिला, ओ अब तो हॉस्पिटल में हम मंगू को भी भर्ती कराएंगे, इसको भी सुधार करवाएंगे। लेकिन बार बार डरती थी पे वहाँ कौन देखेगा इनको, कौन साफ सुथरा करेगा, ये पागल है, कौन खाना हमारे तरह खिलाएगी, ये सारा चीज कौन सोच रही थी? माँ। माँ कलवा कोई सोचेंगे नहीं, सोचेंगे मने मर जाए। ठीक है, भोज होगा। ठीक है, समाज भी भोज खाने के प्रति भी जागरूक है। ऐसा हुआ, कुसुम के ठीक होने के बाद माँ कुसुम से पूछी, पूछने के बाद माँ ने मन में विचार बनाई कि अब मंगू को भी इलाज करवाते हैं, कहीं ठीक हो जाए। अब इतना कहकर बेटे को फोन करते हैं, बेटे को बुलाते हैं और वो बगल के एक अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। किनको? मंगू को। तो मंगू को जब भर्ती करवाते हैं ना, ये तो उसमें क्या होता है, टायर गाड़ी समझते, टायर गाड़ी बैलगाड़ी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मतलब बुझ बुझ हुआ किताब में नहीं है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको आगे से भगवान बनाया पीछे से इंसान बनाया, बताओ तो आप लोग, बताओ तो दम है तो, टमटम। ऐसा कौन सा चीज है, गाड़ी है, जिसको आगे से भगवान ने बनाया पीछे से इंसान ने, बताओ तो कौन ऐसा गाड़ी है? अरे पूर्वक टमटम बैलगाड़ी, आगे से बैलगाड़ी, जिसको बैल को कौन बनाए? भगवान। आ पीछे से कौन, किसको कौन बनाए? आदमी। आ जोर से बोल के वीडियो में नहीं घुसना है, ठीक ना? अपने तक रहना, हम जानते हैं, तुम सबको पता है, बहुत पहले बता दिए, ठीक है। तो बैलगाड़ी से मंगू को लेकर कहाँ गई माँ? अस्पताल में भर्ती करवाई। वो अस्पताल में भर्ती करवाई लेकिन सुधार नहीं हुआ। देखिए, वैसे भी ध्यान है कि जो जन्मजात बीमारी होती है, जो जन्म से ही जो बीमारी किसी में होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। जैसे वो हो गया अनुवांशिक रोग, अगर किसी के माँ में है वो बीमारी तो वो बच्चे में भी होगा, किसी के पापा में है तो वो बच्चे में होगा। जैसे कि दम फूलना, किसी का अगर वंश में तो किसी का और को हो जाएगा। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी। खैर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हिंदी, ठीक है, कहानी सुना रहे थे। तो माँ ने क्या किया, 11:15 बजे घर हॉस्पिटल से घर आई। 11:15 का मतलब होता है 10:45। वो घर आई, आसपास के लोग पूछे क्या हालचाल है मंगू का। सुबह जब माँ वहाँ जाती ना हॉस्पिटल, तो सुबह वो जाती, रात भर मंगू के साथ सब दिन सोती थी, रात में वो अकेला सोई। 11:15 बजे आई घर, 10:45। ठीक है, किसी को कहते 11:15, पूछेगा कि 11:15 कितने बजे मंगू को माँ घर आई थी? माँ 10:45 ना, 11:15 बजे, क्या बजे? 11:15 बजे। ठीक है, यहाँ पर रात भर सोचते रहे मंगू कैसे होगी, कैसे खाएगी, कैसे वो टॉयलेट की होगी, क्या की होगी, कैसे कचरा होगा, कोई सांप ने की होगी, सोचते 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 सुबह हो गया। और सुबह में वो माँ भी बन गई मंगू, माँ भी क्या हो गई? मंगू हो गई। और बेचारे माँ भी क्या हो गई? बेचारी माँ क्या हो गई? वो भी मंगू की तरह पागल हो गई। बात समझ में आ गया सबको? माँ भी सुबह में वैसा ही हाल हो गया, माँ का भी बेड पर ही सारा चीज जो भी होता है, मलमूत्र त्याग बेड पर ही हो गया, बेड पर ही पड़ी थी वैसा ही। आसपास के लोग आए, देखी हाल तो सोची अरे भाई तो मंगू की तरह इसका भी हाल हो गया। और यहाँ के बाद कहानी आगे दिया ही नहीं गया है, पूरा पूरा वीडियो बन गया 10 मिनट का। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, आप सभी बताइएगा। और क्वेश्चन आंसर की बात होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स बनाया जा रहा है, सभी को दिया जाएगा। अभी अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए MNC क्लासेस, जो कि यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे जाइए, आपको क्लास 10th को ओपन करना है, फिर वहाँ पे ऑल चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट भी आप फ्री में लगा सकते हैं। बाकी हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर उसमें मिल जाएगा, व्हाट्सएप से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।